भट्टों के लिए। मिट्टी की ढुलाई कर रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों के दिन रात दौड़ने से सड़क की मिट्टी ही नहीं उखड़ रही, बल्कि सड़क पर ट्रॉलियों से गिरने वाली मिट्टी से पक्का मार्ग कच्चे मार्ग में तब्दील होकर रह गया है। हम जिस मार्ग की बात कर रहे हैं वो लहरपुर सीतापुर संपर्क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ग्राम सभा मनकपुर जाने वाले इस मार्ग पर आधा दर्जन से अधिक ईंट भट्टे संचालित हैं। स्थानीय नागरिकों राहगीरों का कहना है कि इन्हीं ईंट भट्टों की वजह से जो राह आसान हुआ करती थी वो मुश्किलों भरी हो गई है। मिट्टी वाले मार्ग पर मामूली बरसात से ही कीचड़ फैल जाता है, राहगीर फिसल कर गिरते हैं और चोटिल हो जाते हैं। इस मार्ग पर मकनपुर, गदापुर, मूड़ीखेड़ा, रघुनाथपुर, साहबापुर, फिनवा, चंदनहारी, दर्जनपुरवा सहित कई गाँव के ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है। 3 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी वाले इस मार्ग की दुर्दशा पर नागरिकों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रियाज अली। बताइए सड़क पे क्या मतलब दिक्कतें हो रही हैं? अरे इस पे सर रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज गिरता आदमी। हमारे गांव के अभी 2 लोग को चोटिल हुए सुबह। हम ग्राम सभा मूड़ीखेड़ा से हैं। हमारा चाचा का लड़का इससे पहले प्रधान था, इस साल नहीं हुए। जितने भी रोड बनवाए गए थे सब ये भट्टा वालों ने सब उसको नाश कर दिया। ये हाल आप तो देख रहे हैं, इसका ये कंडीशन रोड का देखो आप कैसा ये बना दिया इसको। पिछले साल इस पर लेबर लगाते थे, इसको साफ कराते थे, इस साल कुछ नहीं करवा रहे। ये व्यवस्था बनाई है रोड वाले। तो इस बारे में ग्रामीणों ने शिकायत किसी से की है, अधिकारी से या काहे की शिकायत? ये भट्टे वाले सब बड़े दामों वाले पार्टी है ना, ये सब दामों सब देखे, ये सब ऐसे ही सब काम चलाते हैं। अपना गाड़ी के पीछे पीछे निकलना आपका मुश्किल है। ये हाल है कि तुम घर से नहा धो के आओ, थोड़ी देर के बाद सब बेकंडीशन तुम्हारा हो जाओगे। फिर ये हाल है। क्या नाम है आपका? अभी रहमान। बताइए सड़क पे निकलने से क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत है पानी बरसा तो निकलना मुश्किल है, गिर पड़ा देखिए तो करहा नहीं चलेगा, ऐसा होगा नहीं होगा नहीं रहा। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जिम्मेदार अभी भट्टे वाले हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। बताइए सड़क की जो दुर्दशा है कब से खराब है और क्या दिक्कतें हो रही है इसमें? सड़क की दुर्दशा 1 हफ्ते से खराब है, बहुत भट्टों के मिट्टी धोने के कारण बहुत दुर्दशा खराब है, निकलना मुश्किल है। और पानी बरसा तो साइकिल वाले गिर गिर पड़ते हैं जब पानी बरसते हैं, भट्टे वाले उनको साफ सफाई नहीं कराते हैं। किन किन भट्टों पर मिट्टी जाती है? जितने भट्टे यहाँ पर लगे हैं। कोई प्रशासन इसका देख रेख करता है या फिर WD कोई संज्ञान लेता है? कोई नहीं लेता। हाँ सब इसी तरह मट्टी पड़ी रहती है। कोई किसी ने इसको अपने ट्रैक्टर से मिट्टी रोड पर की हटवाई है? किसी ने नहीं हटाई है, हटाई होती तो पड़ी क्यों होती। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादावाला। बताइए सड़क के जो दुर्दशा है कब से खराब है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिनों से काफी दिक्कत आ रही है, हम लोग तो गाड़ी स्लिप हो रही है और उससे पहले भी बहुत धूल होती थी, हम लोग निकलते थे यहाँ से बहुत दिक्कत होती थी। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अरे इसका जिम्मेदार हम यही मानते हैं कि जो इस पे चलते हैं ट्रालियां वगैरह चलती हैं। पुलिस प्रशासन और प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा बिल्कुल कुछ। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार वर्मा। बताइए क्या दिक्कतें आ रही है सड़क पर? इस पे बहुत है भैया, भट्टे वाले चला रहे हैं, इस पे कई भट्टे 8-10 भट्टे हैं और कई मतलब ट्रैक्टर ट्राली जैसे भी इसे मिट्टी की ढोवाई करते हैं और पुलिस प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। भट्टे वाले जबरदस्ती चलवाते, अगर गांव वाले या कोई कुछ कहता तो उसके विवाद करते हैं और रोड भी सब उखड़ रही है। कौन से रोड है